पूरा साफ है कि ममता बनर्जी डर गई है। रास्तों को रास्ता में खुदाई करके सीमेंट देकर पूरा बैरिकेड किया है, इतना डर। ये सरकार डर गई है और ये सरकार का जाने का टाइम आ गया है। इन लोग का मकसद था, सीबीआई नहीं होता ना तो इन लोग का मकसद था कि रविवार तक सारे सबूत को मिटा देगा। कि ये पूरा साफ है कि ममता बनर्जी डर गई है और पुलिस और प्रशासन को इस्तेमाल करके ममता बनर्जी इस जो छात्र आंदोलन हो रहे हमारे अभया के जस्टिस के लिए, और जितने भी अभया को खून हुआ है, रेप हुआ है, हो रहे अभी भी हो रहे, इसका बंद होना है, इसका विचार होना है। इससे ये मूवमेंट से ममता बनर्जी डर गई है, ये पूरा साफ है। क्योंकि अगर नहीं डरती तो इतना जल कमान, टीयर गैस, लाठी चार्ज, कंटेनर लगा देना, रास्तों को रास्ता में खुदाई करके सीमेंट देकर पूरा बैरिकेड किया है, इतना डर। और वो भी छात्र संगठन टूट कर आगे निकल गया। सलूट बोलते हैं हम, कुर्निज बोलते हैं छात्र संगठन को, कि इस तरह सिर्फ छात्र नहीं, सारे बंगाल के जो नागरिक, किस कोई पापा है, कोई माता जी है, कोई बहन है, कोई स्त्री है, कोई संतान है, सब कोई रास्ते में निकल गया कि ये नहीं चलेगा, ये अन्याय नहीं चलेगा। ममता बनर्जी, आप लोगों को हम सिंहासन में बैठाए हैं, हम लोग जनता, और आज हम लोगों को ही आप अपमान कर रहे हैं, हम लोगों को ही आप विचार नहीं दे रहे हैं। जो लोग ये कुकृत्य कर रहे हैं, संदेश काली का शेख शाहजहां जैसा, आप उसका पक्षपातित्व तो कर रहे हैं। तो ये सरकार डर गई है और ये सरकार का जाने का टाइम आ गया है। अभया का पिताजी माता जी तो उधर थे, उनका बच्ची का देहांत हुआ है, खून हुआ है, उन लोग का तो कोई राजनीति नहीं है। 3:30 बजे तक घुसने नहीं दिया, बॉडी देखने नहीं। तीन घंटा बॉडी देखने नहीं दिया, लेकिन वो जगह में क्राइम सीन में इतना लोग, आज हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, क्राइम सीन को आपको सैनिटाइज करने का इमीडिएटली जरूरत है, और आप उसको क्राइम सीन को सैनिटाइज ना करके आप ये कर रहे, आप लोगों को घुसा दिया है। पुलिस, एडवोकेट, डॉक्टर, इंटर्न सब खड़ा है, जानबूझ के ये क्या है। पुलिस बोल रहा है 51 फीट का वो जगह है, वो हम तो सिर्फ 11 फीट में खड़े थे, बाकी तो सब सैनिटाइज था। झूठ, ये झूठ बोल रहे पिताजी माता जी बोल रहे, ये झूठ है, कुछ सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। अदालत बोल रहे 18 घंटा तक कोई सैनिटाइज नहीं किया है, क्योंकि ये इन लोग का मकसद था, सीबीआई नहीं होता ना तो इन लोग का मकसद था कि रविवार तक सारे सबूत को मिटा देगा। ऑलरेडी मिटा दिया है, सीबीआई बोल रहे कि जो क्राइम सीन है उधर क्राइम हुआ ही नहीं है, तो पीडब्ल्यूडी जो जो रूम्स को तोड़फोड़ किया शायद उसी में घटना घटा है, क्राइम हुआ है। तो आज ममता बनर्जी को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा।